इंडियन पोस्ट ने GDS 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। फरवरी में ही इसकी वैकेंसी निकली थी, जिसमें सिर्फ 10th के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होना है और उसी आधार पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट स्टेट वाइज जारी कर दिया गया है। ये लिस्ट देखने के लिए हमें इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जाकर आप अपने स्टेट का लिस्ट चेक कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम गूगल में जाएंगे, फिर हम टाइप करेंगे इंडियन पोस्ट GDS रिजल्ट 2023। तब नीचे लिंक आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये लिंक है इंडिया पोस्ट GDSonline.cpt.gov.in। अब हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज्ड फॉर ऑल सर्कल। अब चलिए देखते हैं लिस्ट कहां पर मिलेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन के नीचे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे पूरा लिस्ट आ जाएगा सर्कल का। राइट साइड में आप देख सकते हैं इनमें से अपने सर्कल को चूज करना है। चलिए मैं बिहार को सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये देखिए पूरा लिस्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेंड आदि दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कट ऑफ काफ़ी हाई है, 199 आदि। आप इसमें अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नाम शॉर्टलिस्टेड है या नहीं। अब किसी और स्टेट दिल्ली का देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट आ गया है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मार्क्स ऑब्टेंड सब दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा जिस डिविजनल हेड के पास आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसका भी एड्रेस दिया हुआ है राइट साइड में। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू डिविजनल हेड ऑन 21 मार्च 2023। साथ ही नीचे ये भी लिखा है कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरीफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल्स एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपको ओरिजिनल सेट तो ले ही जाना है, साथ में 2 सेट फोटोकॉपी भी करवाना है और सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। दोस्तों मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।